जो इस बीमारी को लेकर के वायरस को जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, इसको लेकर के हमारे ज़िले में बहुत सारी भ्रांतियाँ बहुत सारे चल रही थी, तो हमने उचित समझा कि आज प्रेस को बुला करके सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसकी विधिवत एडवाइजरी जारी की गई है। प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों ने इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की है और कंट्रोल रूम हमारा 24 घंटे काम करेगा। अगर किसी को कोई जानकारी हो तो कंट्रोल रूम से दी जाएगी, किसी को अगर किसी प्रकार से कोई संदिग्ध स्थिति आती है या किसी को लगता है कि उसको प्रॉब्लम है तो उस आदमी को फ़ोन आने पे हम यहाँ से एम्बुलेंस भेज करके उसको भाग लेंगे। और हमारे जिला अस्पताल जो दीनदयाल और मलखान सिंह, उसमें पर्याप्त हम लोगों ने इलाज की व्यवस्था कर रखी है। मेडिकल कॉलेज में भी हमने व्यवस्था कर रखी है। जो लोगों को करना है जो नहीं करना है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को हमने बाकायदे प्रेस नोट जारी किया है, उसका पंपलेट भी हम अखबारों में जारी कर रहे हैं। तो मेरा लोगों से है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं और किसी प्रकार से किसी के इलाज में कोई लापरवाही नहीं होगी और अभी तक हमारे ज़िले में कोई केस इस तरह का पॉजिटिव नहीं आया है। मीट की दुकानों को, हाँ, मीट की दुकानों के लिए जो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, जो भी स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो मीट हो, चाहे होली का मौसम है, खोया गंदा बिक रहा है या मिठाई या सड़ी गली, जो भी चीज़ें हैं उसका लेकर के एक अभियान हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का चल रहा है और मैं नगर निगम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने टीम बना दी है कि वो अब चेकिंग करेंगे और कहीं भी इस प्रकार से कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो मिलावटी है, जो गंदा है, जो खाने योग्य नहीं है, वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। खुले में मीट सर काटा जा रहा है और लटकाया जा रहा है, वो बिल्कुल आपने कहा, उसको हम चेक करा रहे हैं और उसको बंद कराएंगे। जिस तरीके से आपने अभी एक अभियान चलाया था कि मास्क वगैरह पर होलसेल मार्केट में 5,000 रुपये तक कट, मेरी बात उनसे हुई है, उनका ये कहना है कि वो जितने दाम में उनको मिल रहा है उसी के आसपास बेच रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था भाई देहात के हमारी जितनी पीएससी सीएससी हर जगह डॉक्टर्स की तैनाती है और कंट्रोल रूम हमने इसीलिए खोला है कि अगर कहीं किसी को दिक्कत होगी तो तुरंत बताएगा, वहाँ देहात से भी हम अपने जो मरीज होंगे उनको पिक करा करके जिला अस्पताल में भर्ती करें। विदेशी छात्र हैं उनको बाहर जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल करी गई है और एमयू प्रशासन से भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी अपने स्तर से पूरे इसके लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं।